केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती से जुड़ी एक खबर सामने आई है। उमा भारती ने कहा कि वो अगले 6 साल तक हिमालय में रहकर मौन व्रत धारण करेंगी। उमा भारती ने बुधवार को यहाँ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 5वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की 5वीं पुण्यतिथि समारोह में राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा की समापन अवसर पर कहा कि वो कल ही हिमालय से आई हैं और आज ही हिमालय जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो वहाँ 6 वर्ष तक मौन रहकर जीवन बिताना चाहती हैं। उमा भारती ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में गंगा साफ हो जाएगी और गंगा को साफ रखने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। उमा भारती ने आगे ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में गंगा बह रही है। आशा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा को अविरल और निर्मल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रश्न पर उमा भारती ने कहा कि वहां भव्य मंदिर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता और उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये शुभ घड़ी जल्द ही आने वाली है कि वहां भव्य मंदिर का और उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये शुभ घड़ी जल्द ही आने वाली है जब वहां भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और उन्होंने साथ ही ये घोषणा भी की कि अपने आने वाले 6 साल वो हिमालय की गोद में मौन व्रत रखकर बिताएंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।